नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे आधार कार्ड को लेकर, आधार कार्ड को सुरक्षा को लेकर कि हम उसे कैसे सुरक्षित रख सकें। आधार कार्ड का इस्तेमाल हमारे जीवन से जुड़े बहुत से कामों के लिए किया जाता है। इस तरह से यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी जानकारी की सेफ्टी बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। पिछले दिनों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने आधार कार्ड को लेकर सुविधा में कई नए बदलाव किए गए हैं। इन फीचर्स का इस्तेमाल करके आप अपने आधार कार्ड को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह कदम आधार कार्ड की प्राइवेसी और सुरक्षा को बढ़ाने के मकसद से उठाया गया है। एक बार आधार नंबर लॉक कर देने पर उसका इस्तेमाल सत्यापन की सेवाओं के लिए नहीं किया जा सकता। फिर यह बायोमेट्रिक या फिर OTP कोई भी तरीका हो, इस तरह से आपको आधार के लिए 16 अंकों के वर्चुअल ID का इस्तेमाल करना होगा। इसी के जरिए KYC के लिए सत्यापन सेवाएं पूरी हो सकेगी। सत्यापन सेवाओं के लिए आप अपने आधार नंबर को केवल तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप इसे अनलॉक करेंगे। आपको बता दें कि आधार नंबर को लॉक करने से पहले वर्चुअल ID तैयार करना नहीं भूलें। जब तक वर्चुअल ID तैयार नहीं होगा तब तक आप अपना आधार नंबर लॉक नहीं कर पाएंगे। UIDAI की वेबसाइट से आप वर्चुअल ID तैयार कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह काम आप SMS भेजकर भी कर सकते हैं। याद रखें कि आपका मोबाइल नंबर UIDAI की डेटाबेस में रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप SMS के जरिए वर्चुअल ID जनरेट कर सकते हैं। आधार कार्ड को लॉक और अनलॉक करना हम कैसे करेंगे, आइए हम उसको एक एक करके समझते हैं। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं सबसे पहले। इसके बाद आप उसमें माई आधार मेनू पर जाएं, जहाँ पे आधार लॉक और अनलॉक का सर्विस चुनाव करेंगे। उसके बाद यह वेबसाइट आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा, जहाँ पे आप लॉक UID विकल्प पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना 12 अंकों का आधार का नंबर दर्ज करेंगे, जिसे UIDAI भी कहा जाता है। फिर दिए गए फील्ड में अपना नाम और एरिया का पिन कोड दर्ज करेंगे। ऐसा करने के बाद वेरीफाई विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद सेंड OTP विकल्प पर आप क्लिक करेंगे और फिर आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, जो कि वन टाइम पासवर्ड होगा। ऐसा करने के बाद आपका आधार कार्ड लॉक और सिक्योर हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि जब हमारा आधार कार्ड लॉक हो जाए उसके बाद फिर हम उसे अनलॉक कैसे करें। आधार कार्ड को अनलॉक करने के लिए कार्डधारक को अपने वर्चुअल आईडी का VID नंबर जो है वो उसकी आवश्यकता होगी। यदि आप अपना VID भूल गए हैं और फिर से इसकी आवश्यकता है तो आप उसे एक SMS से माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम जान लेते हैं हमारा जो आधार नंबर है वो लॉक हुआ था उसको हम अनलॉक कैसे करें। uidai.gov.in पर जाएंगे। इसके बाद आप माई आधार मेन्यू पर जाएं, आधार लॉक और अनलॉक को सर्विस को चुनाव करेंगे। इसके बाद आप अनलॉक ऑप्शन चुनकर अनलॉक UIDAI पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको वर्चुअल आईडी या फिर VID के सिक्योरिटी कोड के दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। इस OTP को दर्ज करने के बाद आप सबमिट बटन दबाएंगे। इसके बाद आपका आधार कार्ड अनलॉक हो जाएगा। तो ये थी प्रक्रिया आपको अपने आधार कार्ड को सिक्योर करने का, क्योंकि आधार कार्ड हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है जो कि सरकारी या फिर गैर सरकारी कहीं भी अगर हम काम करने जाएं, किसी भी दफ्तर में जाएं, तो वहां पे हमें आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप अपने आधार कार्ड को सिक्योर कर सकते हैं लॉक करके। उसके बाद हमने बताया आपको कि कैसे आप उसे अनलॉक करके खोल भी सकते हैं। तो ये थी आधार कार्ड को लेकर जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।